नमस्कार मित्रों, मेरा 12 तारीख को एक वीडियो रिलीज हुआ जिसे आप लोगों ने देखा और पूरे राजस्थान में इस वीडियो के काफ़ी अच्छे कमेंट्स मुझे देखने को मिले हैं। मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं। और कई जैसे एक विद्यार्थी ने लिखा कि सर आप किले पर वीडियो बनाएं क्योंकि किले में आजकल काफ़ी गहराई पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अतः मैं आने वाले समय में किले पर लाइव वीडियो बनाने का विचार कर रहा हूं कि मैं आपको किले दिखाते हुए जो कि हम वहां जाके शूट करना चाहते हैं ऐसे वीडियो जल्दी आने वाले हैं। अतः मुझे आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा, अतः आगे के वीडियो इसी प्रकार बनाने का प्रयास किया जाएगा। आज हम एक और राजस्थान के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये टॉपिक हमारे राजस्थान का राज्य पशु है। अब राजस्थान के राज्य पशु, आप जानते हैं कि राजस्थान में अब राज्य पशु दो हैं। राजस्थान का पहला राज्य पशु चिंकारा था, चिंकारा राजस्थान का पहला राज्य पशु था और अब राजस्थान का राज्य पशु ऊंट को भी बना दिया गया है। अतः हमारे राजस्थान के अब दो राज्य पशु हो गए हैं। अगर हम चिंकारा पर बात करें तो एक बार आरएस में बहुत साल पहले एक प्रश्न देखा गया और वो प्रश्न ये था चिंकारा क्या है। बहुत सारे व्यक्ति कंफ्यूज हो गए और सब लोग, क्योंकि उस वक्त ऐसी घटना पहली बार हुई थी, अतः सब लोगों ने चिंकारा राज्य पशु लगाकर उत्तर आ गए और सबका सवाल गलती हो गया। चिंकारा राजस्थान के एक वाद्य यंत्र का नाम है और चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। हमारे राजस्थान का चिंकारा राज्य पशु कब बना? चिंकारा राज्य पशु हमारे राजस्थान का 1983 में बना था। इसे 1983 में राज्य पशु का दर्जा प्रदान किया गया था। इसे वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा प्रदान किया गया है, अतः यह वन्य जीव श्रेणी में हमारे राजस्थान का राज्य पशु है। चिंकारा एक एंटीलो प्रजाति का पशु है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो गजेला गजेला है। अतः हमारे राजस्थान का पहला राज्य पशु चिंकारा है जिसे 1983 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया, जो वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा प्रदान किया गया है, इसका वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। ऊंट को काफी विद्यार्थियों को पढ़ाने के पश्चात मैंने ये महसूस किया कि आज भी ऊंट के बारे में विद्यार्थियों को कि कब इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया, जब मैं क्लास में प्रश्न पूछता हूं तो बहुत सारे विद्यार्थी बेचारे जिन्हें जानकारी नहीं है वो रटकर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने क्लास में पूछा ऊंट राजस्थान का राज्य पशु कब बना, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे जो उत्तर दिए वो दिए 30 जून 2014 को ऊंट राजस्थान का राज्य पशु बना। कोई भी चीज की पहले घोषणा की जाती है फिर अधिसूचना जारी की जाती है। जैसे 30 जून 2014 को यह घोषणा की गई कि ऊंट राजस्थान का राज्य पशु होगा, उस दिन ऊंट राजस्थान का राज्य पशु नहीं बना। ऊंट को 19 सितंबर 2014 को ऊंट के राज्य पशु की अधिसूचना जारी हुई। अतः ऊंट राजस्थान का राज्य पशु कब बना अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसका सही उत्तर होगा 19 सितंबर 2014 को। 30 जून को घोषणा हुई और 19 सितंबर को इसकी अधिसूचना जारी हुई। अतः ऊंट हमारे राजस्थान का राज्य पशु 19 सितंबर 2014 को बना है। ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा प्रदान किया गया है। आप जानते हैं कि राजस्थान के बारे में एक राजस्थान में कहावत प्रसिद्ध है, राजस्थान में तो मिले तीन ही चीज, ऊंट ठूट और घूंट। अतः राजस्थान में ऊंट के ऊपर एक कहावत भी फेमस की जाती है। तो हमारे राजस्थान अगर भारत में देखें तो सर्वाधिक ऊंट वाला राज्य हमारा राजस्थान है, सर्वाधिक ऊंट हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। और अगर राजस्थान की पिछली पशु जनगणना पशुगणना को देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला बीकानेर नहीं है। पिछली पशुगणना के आधार पर हमारे राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला जैसलमेर है। अतः भारत में सर्वाधिक ऊंटों वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान में ऊंटों का प्रदेश बीकानेर को कहते हैं। अब प्रश्न बनता है कि जब ऊंट राजस्थान का राज्य पशु बन गया तो इसे मारना अब कानूनी अपराध है। 2014 में यह अधिनियम जारी कर दिया गया, ऊंट निरोधक अधिनियम, जिसके आधार पर अब ऊंट को मारना कानूनी अपराध है। हमारे राजस्थान में पहले टोंक के मुबारक महल में
ऊंट की कुर्बानी दी जाती रही थी, लेकिन अब जब ऊंट राजस्थान का राज्य पशु बन गया, अतः ऊंट को मारना कानूनी अपराध हो गया, तो अब टोंक के मुबारक महल में ऊंट की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है। हमारे राजस्थान के एक बार 2004 थर्ड ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया, 2004 था कि 6 था लगभग, और ये प्रश्न काफी चर्चा में आया कि राजस्थान का मुबारक महल, जो कि अपनी मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध रहा है, जो कि राजपूत, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य कला का मिश्रण है, कहां पर है। अतः मुबारक महल राजस्थान के दो फेमस है, एक मुबारक महल जो मेहमान नवाजी वाला है वो हमारे जयपुर में है, तो ऊंट की कुर्बानी वाला मुबारक महल हमारे टोंक में है। तो अब ऊंट को मारना कानूनी अपराध है। हमारे राजस्थान के कई प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा गया कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। एक बार आईएएस में प्रश्न पूछा गया कि ऊंट लंबे समय तक बिना पानी के कैसे रह सकता है। ऊंट लंबे समय तक इसलिए बिना पानी के रह सकता है क्योंकि ऊंट की जो कूबड़ होती है उस कूबड़ में वसा पाई जाती है, जिसके कारण ऊंट लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। हमारे राजस्थान के एक बार जेल प्रेरी के पेपर में प्रश्न आया कि ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं। अतः ऊंट के बच्चे को टोल्ड्या कहते हैं, ऊंट के बच्चे को टोल्ड्या कहते हैं, ऊंट की बच्ची को टोल्डी कहते हैं, ऊंट की बच्ची को टोल्डी कहते हैं। मैं एक बार क्लास में पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते एक लड़की कोई पेपर देकर आई, शायद थर्ड ग्रेड जिला परिषद का प्रश्न पत्र था, और लड़की ने मेरे आगे वो प्रश्न पत्र आगे किया कि सर एक सवाल का उत्तर तो बताइए। जब मैंने पेपर को देखा तो मुझे भी लगा कि क्या प्रश्न पूछा गया है। अतः प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में बूढ़े ऊंट को क्या कहते हैं। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन देखा था। उसके पश्चात तो मैंने ऊंटों के बहुत सारे प्रकारों के बारे में जानकारी अर्जित की। हमारे राजस्थान में ऊंटों के सैकड़ों प्रकार पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ऐसा ऊंट जिसकी आंख में से लगातार पानी झरता रहता है, ऐसे ऊंट को नैन जरो ऊंट कहते हैं। ऐसा ऊंट जो गोडी मार कर बैठता है उसे गोडी मार ऊंट कहते हैं। तो अंग्रेजी में जेब को पॉकेट कहते हैं, अंग्रेजी में जेब को पॉकेट कहते हैं, और बूढ़े ऊंट को पॉकेट कहते हैं, बूढ़े ऊंट को पॉकेट कहते हैं। तो एक बड़ा जबरदस्त प्रश्न मैंने राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा कि बूढ़े ऊंट को क्या कहते हैं, बूढ़े ऊंट को पॉकेट कहते हैं। हमारे राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र जोरबीड बीकानेर में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2000 में एक आदेश जारी किया कि ऊंटनी का दूध मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। एक अखबारों में एक घटना पढ़ने को मिली, और वो घटना क्या थी, दुनिया में सबसे अधिक उम्र के पिता बनने के रिकॉर्ड में एक राजस्थानी का रिकॉर्ड भी शामिल हो गया। राजस्थानी का रिकॉर्ड कैसे शामिल हुआ, क्योंकि राजस्थान का जो व्यक्ति था, जो कि जिनका नाम नानू राम जोगी था, वो 94 साल की उम्र में पिता बने थे। अतः जब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वालों की टीम उनका इंटरव्यू करने के लिए पहुंची तो उनसे पूछा गया कि नानू राम जी आपकी सफलता का राज क्या है। तो जब नानू राम जी ने इसका उत्तर दिया तो पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया कि ऊंटनी के दूध में क्या ताकत होती है। उन्होंने कहा ऊंटनी को दूध पियो और मजा करो। अतः ये बड़ा जबरदस्त पूरे विश्व को पता लग गया कि ऊंटनी के दूध में कितनी पावर होती है। तो हमारे राजस्थान के ऊंटनी के दूध को अब पूरे राजस्थान में भी कई सारे प्लांट लगाए जा रहे हैं, और जयपुर में भी कैमल मिल्क बेरी प्लांट की घोषणा हो चुकी है। अतः ऊंटनी का दूध काफी काफी फायदेमंद होता है, मधुमेह के रोगियों के लिए यह काफी लाभदायक साबित हो सकता है। हमारे राजस्थान में ऊंट के बारे में और भी बहुत सारी बातें बनाई जा सकती हैं और पढ़ी जा सकती हैं, जिन पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जैसे ऊंटों का देवता किसे कहते हैं, ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है। अतः ऊंटों का देवता बाबूजी को कहते हैं, ऊंटों का देवता बाबूजी को कहते हैं, और ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की आराधना की जाती है।
हमारे राजस्थान में ऊंट में पाया जाने वाला प्रमुख रोग कौन सा होता है? अतः ऊंट में एक रोग पाया जाता है जिसे सर्रा रोग कहते हैं। अतः ऊंट का प्रमुख रोग सर्रा होता है। हमारे राजस्थान में ऊंटों की देवी किसे कहते हैं? ऊंटों का देवता तो बाबू जी को कहते हैं। ऊंटों की देवी अंता देवी को कहते हैं। अतः राजस्थान में ऊंटों की देवी भी है जिन्हें अंता देवी के नाम से जाना जाता है। हमारे राजस्थान का एक बैंड बड़ा लोकप्रिय हुआ। हालांकि राजस्थान का एक बैंड जिसका नाम कावा ब्रास बैंड है, कावा ब्रास बैंड हमारे जयपुर के हमीद खां कावा का ये बैंड है। जब महारानी एलिजाबेथ ने अपने शासन के 60 साल पूरे किए तो इस बैंड ने अपनी मधुर ध्वनियां बिखेरी। जब विश्व कप फुटबॉल का आयोजन किया गया तो हमारा ये बैंड वहां आमंत्रित किया गया। अतः राजस्थान का ये बैंड पूरे विश्व में चर्चित है। लेकिन हमारे राजस्थान का एक बैंड भी बहुत लोकप्रिय है। यह राजस्थान की बीएसएफ द्वारा संचालित है और ये ऐसा बैंड है जो पूरा का पूरा संपूर्ण ऊंटों पर संचालित है। यह दुनिया का एकमात्र बैंड है जो कि पूरा का पूरा ऊंटों पर संचालित है। अतः इस बैंड का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। हमारे राजस्थान में ऊंटों का मेला पुष्कर अजमेर में लगता है। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर का फेमस है। एक बार वनरक्षक का पेपर था और वनरक्षक के पेपर में प्रश्न क्या पूछा गया, राजस्थान में ऊंटों का मेला कहां लगता है? बहुत सारे व्यक्तियों के दिमाग में ये बात थी कि ऊंट मेला तो बीकानेर में लगता है। अतः जब वो पेपर देकर आए तो ये प्रश्न उनका गलत हो गया। ऊंट महोत्सव बीकानेर का फेमस है और ऊंटों का मेला पुष्कर अजमेर में लगता है। हमारे राजस्थान में ऊंट पर बैठकर घूमना जिसे कैमल सफारी कहते हैं। हमारे राजस्थान में कैमल सफारी सम गांव जैसलमेर की प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में पूर्णतया वनस्पति रहित स्थान सम गांव है जो जैसलमेर में है। अतः हमारे राजस्थान में इस सम गांव में केवल रेत के धोरे हैं, यहाँ कोई भी वनस्पति नजर नहीं आती है। अतः जैसलमेर से 40-42 किलोमीटर की दूरी पर यह सम गांव पड़ता है जहां पर रेत के धोरों में कैमल सफारी का आनंद लेना एक अपने आप का ही एक अनुभव माना जा सकता है। बहुत सारे विदेशी पर्यटक इसका आनंद लेने के लिए हमारे राजस्थान में आते हैं। अतः कैमल सफारी सम गांव जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जब ऊंटों का मेला पुष्कर अजमेर में लगता है तो ऊंट को सजाने की प्रतियोगिताएं होती हैं और हमारे पुष्कर के अशोक टांग इसमें महारत हासिल रखती हैं। अतः अशोक टांग को कैमल मैन कहती हैं। राजस्थान का कैमल मैन पुष्कर के अशोक टांग को कहती हैं। हमारे राजस्थान में ऊंट के गले के आभूषण को क्या कहते हैं? ऊंट के गले के आभूषण को गौरबंद कहते हैं। और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट को माध्यम बनाकर एक गीत गाया जाता है, मारो गौरबंद नखराड़ो। अतः गौरबंद राजस्थान का एक लोक गीत भी है। हमारे राजस्थान में जब एक पर्यटन का लोगो बनाया गया और ये पर्यटन का लोगो हमारा 2016 में बना, इस पर्यटन के लोगो का नाम था जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। जब पर्यटन लोगो बना तो इस लोगो में हमारे ऊंट को एक दो ऊंटों को एक दूसरे की पीठ सटाए हुए बैठे हुए दिखाया गया जिस पर दो चिड़ियाएं उड़ रही थी। अतः हमारे ऊंट को इसमें शामिल किया गया। अगर आज तक राजस्थान पर्यटन के लोगों के सर्वश्रेष्ठ लोगों की बात करें तो पधारो हमारा देश जो अभी राजस्थान का पर्यटन का लोगो है, जो कि सबसे राजस्थान का दूसरा पर्यटन लोगो भी रहा है, जिसमें भी एक शाम का टाइम है और एक आदमी ऊंट को लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। अतः बिना ऊंट के तो राजस्थान के पर्यटन की, बिना ऊंट के तो राजस्थान के पशुओं की, बिना ऊंट के तो राजस्थान की संस्कृति की बात करना भी एक बेमानी साबित होती है। अतः राजस्थान का यह राज्य पशु जिसको राज्य पशु का दर्जा पहले ही दिया जाना चाहिए था, अतः अब उसे राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया है। अतः ये पूरे राजस्थान के लिए अति सम्मान की बात है। मित्रों, मैं आपके लिए लगातार एक से एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। जो भी आपको टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में मुझे अवगत कराएं। मैं आने वाले समय में आपको प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से और ज्ञान के हिसाब से कोई कमी नहीं आने दूंगा। अतः मुझे आपका अपार सहयोग की आवश्यकता है और मुझे मिल रहा है। आप लगातार कमेंट कसते रहें और लगातार मुझे अवगत कराते रहें कि गुरु जी किस प्रकार के हमें
वीडियो चाहिए। अतः मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलते हुए, जानते हुए, आपके कमेंट सुनकर मुझे बड़ी अपार खुशी हो रही है। मैं जल्दी ही अपना अगला वीडियो जारी करूंगा। धन्यवाद मित्रों।